एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस इंडियन ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं अपने पर्पल होल से, और वह है फ्रेंड्स एनवाईबी की फाउंडेशन। आपको याद होगा कि मैंने उसमें आपको दिखाया था कि मैंने एक फाउंडेशन भी परचेज करी है जो एनवाईबी की है, जहाँ आप देख सकते हैं, और यह अराउंड 130 और 140 के बीच में है, जो रीजनेबल मुझे लगी। तो मैं आपके साथ आज इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेते हैं इस प्रोडक्ट की। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं एनवाईबी बी देयर फॉर यू लिक्विड फाउंडेशन, और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इसके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आइडियल फॉर ऑल स्किन टाइप। इसमें लिखा हुआ है कि हर स्किन टाइप को सूट करेगी, चाहे नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, तो हर स्किन टाइप पर यह फाउंडेशन जाएगी। तो आपको सबसे पहले ये चूज करने की जरूरत नहीं है कि मेरी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चुनूँ, तो आप हर स्किन टाइप को यह फाउंडेशन जाएगी। और फ्रेंड्स, ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, ब्लेंड इजली होगी, लाइट वेट है, और स्मूथ स्किन को स्मूथ करेगी, नरिश करेगी, एंड नॉन ग्रीसी है। तो यह कुछ इसके इसमें बताया हुआ है, यह कुछ इस तरह की है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इसके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट वगैरह लिखी हुई है। मैं इसको अगर आपको खोल के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरह की है। फ्रेंड्स, पैकेजिंग वाइज कहूँ तो यह कुछ इस तरह की ग्लास की बोतल में आती है, और ठीक ठाक पैकेजिंग है, काफ़ी अच्छी नहीं पैकेजिंग कह सकते आप, ठीक ठाक कह सकते हैं, कोई स्प्रे में नहीं आ रही है, जस्ट आपको इस तरह से खोलनी पड़ेगी और इस तरह से इसका कैप उतार के इसे करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये फाउंडेशन काम करती है, प्राइस वर्दी है या नहीं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिए। मैंने अपने फेस को क्लींसिंग और टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कर ली है, और अब फ्रेंड्स मैं इसमें प्राइमर थोड़ा बहुत लगा लूँगी अपने फेस पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एज यूजुअल एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ एज अ प्राइमर। के बाद फ्रेंड्स, जो भी आपके डार्क सर्कल्स हों या फिर डार्क स्पॉट्स हों, उस पर आप कलर करेक्टर लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं कलर करेक्टर और कंसीलर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कलर करेक्टर एनवाईबी का लगा रही हूँ। आपने अपने हैंड्स की मदद से ही इसे डैब डैब करना है। अब उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ओलिविया का कंसीलर लगा लेती हूँ, और कंसीलर भी मैं जस्ट हाथ से ही लगाऊंगी। कंसीलर लगाने के बाद अब मैं फाउंडेशन लगा लेती हूँ। मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा अपने हैंड पर ले लूँगी। फ्रेंड्स, अब मैंने इसे यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं इसे सेट कर लेती हूँ फेस पाउडर से, और फेस पाउडर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर मेबलिन का ले रही हूँ। बात की जाए इस फाउंडेशन की, तो फ्रेंड्स मुझे ये ओके लगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका इतना अच्छा कवरेज नहीं है। सबसे पहला प्लस पॉइंट है इसका कि काफ़ी लाइट वेट है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने अपने फेस पे कुछ अप्लाई भी करा है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड नेचर की वजह से मुझे कुछ खास इसका कवरेज नहीं दिख कर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा ही कवरेज दिया है इसने। काफ़ी ज़्यादा लिक्विड नेचर की वजह से ब्लेंड आसानी से हो रहा है। इमेज वाइज
मीडियम या लो है, ज़्यादा अच्छा कवरेज नहीं है इसका। अगर आप मीडियम या लो कवरेज की कोई फाउंडेशन चुन रहे हैं तो आप इसे NYB की फाउंडेशन को चुन सकती हैं। कि इतना सूदिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है, इतनी स्मूथ नहीं लग रही है, जो इसमें बताया हुआ है कि यह स्मूथ है, आपकी स्किन को नरिश करेगा, तो वो चीज़ मुझे नहीं लग के आ रही है। बात की जाए इजिली ब्लेंड होने की और लाइट वेट की, तो वो इसमें प्लस पॉइंट है। आप भी कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाउंडेशन चुन रहे हैं तो NYB सॉरी आपके लिए नहीं है। अगर आप लाइट वेट की चुन रहे हैं, जो लाइट वेट हो और आपकी लो वे मीडियम कवरेज हो, तो फ्रेंड्स आप NYB की फाउंडेशन को चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स यह था मेरा आज का रिव्यू NYB के फाउंडेशन के लिए, जो मुझे खास ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। एक आप कह सकते हैं कि नॉर्मल सा कहीं आने जाने में आप इसे चुन सकते हैं, बट पार्टी वियर लुक के लिए या किसी ओकेजन के लिए आप इसे चूज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये प्रोडक्ट का रिव्यू और मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, योर टेक केयर।